उस तत्व की भी हमारे आने वाले पीढ़ी को ज्ञान प्राप्त हो, उसकी जानकारी मिले कि देश के अंदर किन जयचंदों के कारण भारत गुलाम हुआ, कौन कौन सा फैक्टर था जिसके कारण हम कमजोर हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज बीजेपी कार्यालय में 1857 के शहीदों को याद किया गया। बताते चले कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वंदे मातरम के भी नारे लगाए गए। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा सहित बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आज बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहे और शहीदों को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसी के साथ बताते चले आपको कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हम 1857 के शहीदों को आज याद कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है हम लोगों ने। इसी के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम आज़ाद कैसे हुए हैं इस विषय पर चिंता नहीं करना है, हम गुलाम कैसे बने थे इस तथ्य को हमको जानना है और इस पर हमको विचार करना है। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे विजय कुमार सिन्हा, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। सेनानी को हम लोग याद ही नहीं कर रहे हैं, इनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी ले रहे हैं और हमारा देश को गुलाम जिस कारण से हुआ है उस गुलामी के पहलू पर भी हम विचार करेंगे और गुलाम बनाने वाले जो तत्व थे उस तत्व की भी हमारे आने वाले पीढ़ी को ज्ञान प्राप्त हो, उसकी जानकारी मिले कि देश के अंदर किन जयचंदों के कारण भारत गुलाम हुआ, कौन कौन सा फैक्टर था जिसके कारण हम कमजोर हुए, सत्य सनातन के संतानों के बीच किसने फूट डालकर लड़ाई करवाया और किसने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस विषय की आज ज़्यादा ज़रूरत है कि हम आज़ादी कैसे प्राप्त किए, उससे ज़्यादा हम गुलाम कैसे हुए, इसकी जानकारी लेने की ज़रूरत है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि आज शहीदों को हम लोग याद कर रहे हैं और उनके बताए गए पदचिन्ह पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम आज़ाद कैसे हुए हैं इस विषय पर चर्चा करना उतना जरूरी नहीं जितना कि देश गुलाम कैसे हुआ इस तथ्य को जानना है, इस पर हम विचार करेंगे, इस पहलू पर विचार करेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगे आने वाले जनरेशन को भी पता होना चाहिए हमारे शहीदों का क्या कुछ योगदान रहा है हमको आज़ाद करवाने में। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सुना आपने। तो इसी के साथ आपको बताते चले कि बीजेपी कार्यालय में आज 1857 के शहीदों को याद किया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इसी के साथ वंदे मातरम के भी नारे लगाए गए। नेता प्रतिपक्ष ने भी अपना बयान रखा और साफ तौर पर कहा कि हम गुलाम कैसे हुए, देश कैसे गुलाम हुआ, इस पहलू पर हम विचार करेंगे, कौन सा तथ्य था जिसकी वजह से हम गुलाम हुए इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।